गज के रण क्षेत्र में कब कौन सा कारनामा घटित हो जाए कहा नहीं जा सकता। कभी कभी तो मैदान पर ऐसे कारनामे देखने को मिलते हैं कि उन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। दुबई में चल रही T10 लीग के दूसरे सीजन के तीसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि यकीन करना मुश्किल हो गया। इस मैच में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेट गिरे। ये कारनामा इससे पहले कभी भी क्रिकेट इतिहास में देखने को नहीं मिला। आपको बता दें कि T10 लीग में बंगाल टाइगर्स और नॉर्दर्न वॉरियर्स के बीच हुए मैच के दौरान ये कारनामा दर्शकों को देखने को मिला, जहां लगातार 5 गेंदों में 5 विकेट गिर गए। आपको बता दें कि सबसे पहले अली खान ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर पूरन को कैच आउट कराया। उसके बाद अगले ओवर में पाकिस्तानी टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज आमिर यामीन का तूफान दुनिया को देखने को मिला। आमिर यामीन ने पहले सिमंस को बोल्ड किया, फिर वो पारा पावे और विल्जोन को आउट करके यामीन ने 4 गेंदों पर 4 विकेट ले लिए। आपको बता दें कि आमिर यामीन ने अपने 2 ओवरों में 4 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें उन्होंने 11 डॉट बॉल भी फेंकी। आमिर यामीन की शानदार गेंदबाजी के चलते बंगाल टाइगर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 36 रनों से पराजित कर मैच को अपने नाम कर लिया। इससे पहले मोहम्मद शहजाद ने 16 गेंदों पर तेज तर्रार 74 रन ठोककर सबको हैरत में डाल दिया था।